सर, पिछले एक हफ्ते से स्ट्राइक चल रही है। मांग यही है कि जो रोज़गार हमारे यहाँ के जो लोकल एम्प्लॉई हैं, इनको रोज़गार दोबारा दे दिया जाए, क्योंकि कंपनी इनको लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रही है। 100 से 120 बंदा है हमारा जो यहाँ पे काम करता है, वो कह रहे हैं कि हमें जस्ट 20-30 बंदों की ज़रूरत है, उससे ही हम टनल बना देंगे। उससे पहले 120 लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, क्या वो ऐसे काम कर रहे थे? साथ में यहाँ पे कंपनी है सीगल इंडिया लिमिटेड, जब उन्होंने काम लिया उसके बाद उन्होंने सबलेट किया सरला प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को, जितने भी उनके एम्प्लॉयज थे उन्होंने सब ट्रांसफ़र कर दिए सरला प्रोजेक्ट को, और स्मूथली काम चल रहा है। आज तक वहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं हुई, इनको क्या दिक्कत है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिकंजा क्यों नहीं कस रही है टाटा कंपनी पे? क्यों नहीं कह रही उनको कि आप 2 महीने से काम बंद है यहाँ पे? जब एक दिन स्ट्राइक होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस यहाँ पे पहुँचती है और कहती है नेशनल प्रोजेक्ट है, आप नेशनल प्रोजेक्ट को नहीं रोक सकते। आज 2 महीने से काम बंद है, आज का है नेशनल प्रोजेक्ट। आज प्रोटेस्ट 7वें दिन पे चले गया। ये रामबन के लोकल लोग हैं, यहाँ के आम लोग हैं, और जो स्किल्ड हैं 2 साल से पिछले साल से काम कर रहे हैं, और काम तो ये जो कानून के अंदर लेबर लॉज है उसके हिसाब से ही करेंगे कि इक्वल वर्क इक्वल पे, जितना काम करेंगे उतना इनको पैसा मिलेगा। ये कोई सियासी आदमी इनको नहीं बता सकता कि काम किस तरीके से करना है, वो तो अलग लेबर लॉज डिफाइंड है। रही बात कि इनको जो धमकाया जा रहा है तो PSA लगाएंगे, वो लगाएंगे, वक्त बताएगा। यहाँ पर गुंडे बदमाश लोगों के खिलाफ PSA लग सकता है, इन गरीब लोगों पर कोई PSA या कोई ज्यादती या पुलिस से हम चेतावनी दे देते हैं। यहाँ पर ऐसी किसी ने पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने गलती की इन पर हाथ डालने की, तो भैया हम भी आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपकी ईंट से ईंट बजा के रखेंगे। गरीब आदमियों पर दादागिरी मत करो तो मैं पकड़ूंगा। कहना है कि हमारे पास में 186 एम्प्लॉयज हैं, आप सभी को रखिए। बट अभी हमारा मैनेजमेंट का क्या है कि हम ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, तो डिले हो रखा है, दूसरा लॉस में चल रहा है, तो 186 एम्प्लॉयज को हम कहाँ पे रखेंगे? जहाँ पे मेरे को अगर 50% की जरूरत है वहाँ पे मैं 186 एम्प्लॉयज को कैसे लेके जाऊँगा? तो उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट का कहना है कि हम उस तरीके से देखेंगे, पहली प्रेफरेंस तो हम देंगे कि जो यहाँ पे डिगडोल गाँव के लोकल्स हैं सबसे पहले उनको, और जिनके पास में एक्सपीरियंस है जिन्होंने टनलिंग में काम किया है उनको हम प्रेफरेंस देंगे। मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कीजिए, अपना आधार कार्ड, अपना एक्सपीरियंस लेटर, अपना CV कि आपने कितना कितना काम किया, कितना एक्सपीरियंस और आप कहाँ से, जो हमको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि हम इस एरिया में काम कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा लोकल्स यहाँ पे हो, तो हम उनको वहाँ से एडजस्ट करें। बट इनने भी इनको बोला था कि हम जैसे कि मेरे को 50 बंदे की जरूरत है एक शिफ्ट में, 50 है या 30 है वो भी डिसाइड करें, मैं आपको अप्रॉक्स बोल रहा हूँ कि एक शिफ्ट में सपोज करो मुझे 50 की जरूरत है, तो दूसरी शिफ्ट में भी मेरे को 50 की 100। हमने 3 शिफ्ट का प्रपोजल दिया था कि हम 8 आवर्स की शिफ्ट चलाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारे मैक्स बंदे जो है जितने हमारे 2 शिफ्ट में आने थे उसमें एक शिफ्ट और एक्स्ट्रा होगी तो बंदे की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो अभी उसमें भी इनको थोड़ा ऑब्जेक्शन है कि नहीं 3 शिफ्ट, कभी ये बोलते हैं कि हो जाएगा कभी नहीं होगा, अभी उसके ऊपर